नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। धोनी जैसे सेनापति रिटायर नहीं होते, केवल रण क्षेत्र बदलते हैं। जीत को आदत में बदलने की आग्रही सेनापति की रण क्षेत्र से स्वैच्छिक निवृत्ति या फिर उस लाजवाब हेलीकॉप्टर शॉट का स्मृति के हैंगर पर हमेशा के लिए टंग जाना। एक लंबे बालों वाले मर्द क्रिकेटर का हर वक्त जूझने की मुद्रा में चौकस रहना, या फिर विकेट के पीछे घात लगाए सजग विकेट कीपर का हमेशा के लिए ग्लव्स उतार देना। असल में धोनी के कई चेहरे हैं जिन पर क्रिकेट की वीर गाथाएं लिखी हैं, लिहाजा उनका संन्यास भी चौंकाने वाला था। इसलिए नहीं कि वह अचानक भूकंप के झटके की तरह आया था, बल्कि इसलिए था वह कैप्टन कूल क्रिकेट से अपनी विदाई का ऐलान भी सुबह की ठंडी ओस की तरह करेंगे यह उम्मीद किसी को नहीं थी। धोनी के क्रिकेट में उम्र कुछ दस्तक देने लगी थी, लेकिन वो अचानक इस बेदर्दी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे यह झटका देने वाला बात थी। वरना लोग तो रिटायरमेंट उस घड़ी तक टालते रहते हैं जबकि लोग उन्हें घर पर ना छोड़ाए। बहरहाल इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, कंडीशन मी रिटायर्ड फ्रॉम 1929। इसके बाद तो मानो जैसे खेल प्रेमियों और महेंद्र सिंह क्रिकेट धोनी माही के प्रशंसकों की शाम का एजेंडा ही बदल गया। इसका महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि धोनी के रिटायरमेंट के कारणों की व्याख्यानात्मक देश के एक और महान क्रिकेट सुनील गावस्कर को करनी पड़ी। गावस्कर ने कहा कि धोनी निश्चित तौर पर यह जानना चाह रहे थे आईपीएल में वह कैसा प्रदर्शन करते हैं, इसके बाद ही वह तय करेंगे कि अगले T20 वर्ल्ड कप में खेलना है कि नहीं। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आईपीएल पोस्टपोन्ड हो गया और T20 वर्ल्ड कप भी 2 साल के लिए टल गया, तो धोनी को लगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट ही नहीं है तो फिर हाथ में बल्ला थामे रखने भी बेमतलब है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी की उपलब्धियां आंकड़ों के स्क्रीनशॉट पर नापी जाती है। इस लिहाज से धोनी के तर्कस में कामयाबी के इतने तीर हैं को चाहे जब तक कह सकते हैं कि कौन सा तीर दिखाऊं। भारतीय क्रिकेट के वो सफलतम कप्तान तो रहे ही हैं, साथ में बेहतरीन विकेट कीपर और कुशल रणनीतिकार भी रहे। शायद भाग्य और क्रिकेट की ललक ही उन्हें बचपन में फुटबॉल के मैदान से क्रिकेट की पिच तक खींच लाई और जन्म कुंडली में इतिहास रचने की अघोषित भविष्यवाणी ही धोनी को रेलवे टीटीई की नौकरी छुड़वाकर भारतीय क्रिकेट टीम में अब तक के सबसे सुनहरे दौर का टिकट कटवाने के लिए ले आई। जिस कालखंड में सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट टीम का स्थायी आस माना जाता था, उसी दौर में 2005 में लंबे बालों वाले एक मजबूत कदकाठी वाले भारतीय क्रिकेटर ने पाकिस्तान दौरे के समय में दुनिया का ध्यान खींचा। पता चला कि इस नए चेहरे का नाम महेंद्र सिंह धोनी है। तब धोनी की चर्चा उनके क्रिकेट के साथ साथ उसके गर्दन पर झूलते लंबे बालों के कारण भी होती थी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के तब तक इस स्टाइल में बाल रखने वाला कोई क्रिकेटर सामने नहीं आया था। धोनी के उन बालों की तारीफ जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी की थी, लेकिन जल्द ही हमने बालों से परे धोनी की उस क्रिकेट प्रतिभा का जलवा देखा जिसमें धोनी को धोनी बनाया। 2007 में हुए पहले T20 वर्ल्ड कप में धोनी की अगुवाई में नौजवानों की टीम सीधे कप जीतकर ही लौटी। 2007 में हुए पहले T20 वर्ल्ड कप में धोनी की अगुवाई में नौजवानों की टीम पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि दे दनादन शैली में
खेले जाने वाले क्रिकेट के इस फॉर्मेट के हम भी बादशाह हो सकते हैं। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में धोनी की कमाल की रणनीति ने जीत को भारत के पाले में खींच लिया। इसके बाद धोनी का भावार्थ ही जीत होने लगा। क्रिकेट को सिर्फ हार जीत, चौके छक्के और आउट बोल्ड के शब्दकोश में पढ़ने वाले अक्सर कमेंट करते सुनाई पड़ते थे, अरे धोनी है ना, वो निपटा देगा। कुछ इसी तरह के आश्वस्त पहले सचिन तेंदुलकर के क्रीज पर डटे रहने को लेकर सुनाई देती थी। धोनी के दीवाने तो यह मानने लगे थे कि धोनी के बाद कोई जादू की छड़ी है जो हर मैच में भारतीय टीम के पक्ष में जीत का मंत्र फेर देगी। यह केवल खास ख्याली नहीं थी, रिकॉर्ड खुद बोलते हैं। यानी 2007 में T20 विश्व कप भारत के लिए लिखवाना, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप एक बार फिर भारत के नाम करना और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा कर लेना सार्वजनिक महानता का शॉर्ट मैसेज लिखने के लिए काफी है। क्रिकेट एक कला भी है जिसका पैमाना केवल जीत के गुलदस्ते हासिल करना नहीं है। धोनी को एक अत्यंत कठिन और अनोखे हेलीकॉप्टर शॉट के धुरंधर खिलाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। हेलीकॉप्टर के पंखे के मानित बैट घुमाकर लगाया जाने वाला यह शॉट आंखों को दूरबीन की तरह आसमान तक ले जाकर जमीन पर बाउंड्री के पास तक ले जाता है। ऐसे शॉट से दो ही क्लिक होते हैं, चौका या छक्का। क्रिकेट का सवाल है और क्या चाहे, चौके छक्कों की बरसात हो और विरोधी टीम के दनादन ध्वस्त होते विकेटों की दावत हो। यानी कलात्मक क्रिकेट का यहाँ तक ठोस विजुअल में बदलता है और परिणामों से भी उसकी सार्थकता तय होती है। धोनी बीते चार दशकों में भारतीय क्रिकेट में असंभव को संभव बनाने की जीवंत कहानियों की नवीनतम कड़ी है। यह सिलसिला 70 के दशक में महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर से शुरू होता है। गावस्कर ने जब 1987 में क्रिकेट से संन्यास लिया तो कहा गया कि अब शायद ही कोई टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रनों का हिमालय पार कर सके। 1994 में जब एक और सार्वकालिक महान क्रिकेटर कपिल देव ने क्रिकेट को अलविदा कहा तो माना गया कि भारत को वनडे क्रिकेट कप जितवाना कपिल के ही बस की बात थी, क्योंकि टीम में वैसा दम भरने वाला क्रिकेटर शायद ही नसीब हो। 2012 में जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्लों को हमेशा के लिए विश्राम दिया तो लोगों ने कहा कि शतकों का शतक बनाने वाला अब कोई दूसरा ना होगा, यह तो पराकाष्ठा है, भगवान के बाद अब क्या। लेकिन सीमाएं ही नहीं, नई मंजिलें तय करती है। उसी बीच उदय हुआ उस ध्रुव तारे का जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को ना सिर्फ जीतने का चस्का लगाया बल्कि उसे आदत में बदल दिया। क्योंकि एक बार जीत जाना एक बात है और हर बार जीतने के लिए जान लगा देना उसकी अगली कड़ी है। दबाव को दबाव में लाना धोनी ने सिखाया। यह तो कोई भी मानेगा कि धोनी ने अपने खेल, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कौशल और जोखिम उठाने की काबिलियत से भारतीय क्रिकेट टीम में वो असर पैदा किया जो अरसे तक आम क्रिकेट प्रेमी मानने लगा था कि धोनी जीत की कुंडली खुद ही रचते हैं। कई भूषणों सम्मानों से नवाजे गए धोनी ने अभी क्रिकेट के मैदान से ही ग्लव्स उतारे हैं। जीवन के अन्य क्षेत्रों में नई पारी खेलने का रोमांच तो अब शुरू हुआ है। आश्चर्य नहीं है कि धोनी राजनीति के मैदान में हेलीकॉप्टर शॉट लगाते मिले। दरअसल धोनी एक जन्मजात सेनापति है और सच्चा सेनापति केवल युद्ध के मैदान में बदलता है। धोनी जाते हुए भी अपने युवा साथियों और भावी क्रिकेटरों के लिए यह चुनौती छोड़कर जा रहे हैं कि उनकी खींची जीत की रेखाओं को वो कितना आगे ले जा सकते हैं। यह चुनौती वास्तव में उन्हें हेलीकॉप्टर शॉट को मिसाइल शॉट में तब्दील करने की है। धोनी की इस चुनौती को कौन, कब और कैसे स्वीकार करेगा यह भविष्य बताएगा। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। भारत की बहादुर बेटियां
जिन्होंने वीरता से लड़ी आजादी की जंग। निसंदेह भारत की आधी आबादी, भारत की वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनकी बल बुद्धि, साहस और शौर्य की कहानियां आज भी अमिट छाप छोड़ती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आधी आबादी की भूमिका सर्वोपरि है। भारत की आजादी की वीरांगनाओं ने देश के हर हिस्से में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर योगदान दिया। किसी ने फांसी के फंदे को गले का आभूषण बनाया, किसी ने सोने के सीने में गोली खाकर, किसी ने उम्र कैद हंस के गुजारी, तो किसी ने जहर खाकर ब्रिटिश हुकूमत के हाथ ना आने का वादा निभाया। जब जब क्रांति की मसाल ब्रिटिश हुकूमत ने ठंडी करनी चाहिए, भारत की वीरांगनाओं ने आगे बढ़कर उस मसाल को न सिर्फ थामा अपितु उस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी निभाई। आज हम 21वीं सदी में तरक्की के कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन आज भी आए दिन ऐसी खबरें अखबारों की हेडलाइन बनती हैं जिनमें महिलाओं और बच्चियों की सपनों की उड़ान भरने से पहले ही उनके पंख को काट दिए जाते हैं। महिलाएं अपना भविष्य तलाशने और अनिवार्य शिक्षा हासिल करने जैसे कई सवालों में अभी भी कई बार हाशिए पर नजर आती है। अपने सपने पूरे करने के लिए अभी भी उन्हें कई सीमाएं पार कर करनी पड़ती है, कई बेड़ियां तोड़नी पड़ती है, तब जाकर वे अपने सपनों को जी पाती है, अपने सपनों को उड़ान दे पाती है। कितना मुश्किल रहा होगा 18वीं 19वीं सदी का वो दौर जब महिलाओं ने घर की लक्ष्मण रेखा पार करके जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस दौर में महिलाओं की हक की बात कम ही हो पाती थी, लेकिन तब भी इन महिलाओं ने देश की सुरक्षा और आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। इतिहास की कहानियों में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाया। भारत की बहादुर बेटियों ने आजादी की हर लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपना दायित्व बखूबी निभाया। कर्नाटक की रानी चिन्नम्मा उन शासकों में थी जिन्होंने स्वतंत्रता के शुरुआत दौर में ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे किए और लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। सन 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। आज भी रानी लक्ष्मीबाई देश की बहादुर महिलाओं की आदर्श है। उन्होंने सन 1857 की क्रांति में महिलाओं का को घूंघट और घर की चार दीवारी से बाहर लाकर देश की सुरक्षा की कमान सौंपी। उन्हें न सिर्फ युद्ध कौशल में पारंगत किया बल्कि सेनानी की तरह दहाड़ना भी सिखाया। अंग्रेजों के विरुद्ध सीमित साधनों में विशाल महिला सेना तैयार करना, वह भी हर तरह के युद्ध में पारंगत, उस दौर में आसान काम नहीं था। जिस सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, सन 1857 में अवध की कमान संभालती बेगम हजरत महल अवध की बुलंद आवाज बनी। बेगम जिनत महल ने भी आजादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में नई नजीर पेश की। भारत की आजादी में न सिर्फ देश अपितु विदेशी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिनका शरीर विदेशी था लेकिन आत्मा भारत के लिए जिंदा थी। एनी वेसेंट, सिस्टर निवेदिता, मेडलिन स्लेट, मीरा बहन जैसी कई महिलाओं ने भारत की आजादी में अहम रोल अदा किया। स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के हर तबके की महिलाओं ने अपनी दहलीज पार करके भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। मैडम भिकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, अरुण आसिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अनु सुईया बाई काले, राजकुमारी अमृत कौर, कनकलता बरुआ, रेहाना तैयब, कल्पना दत्त,
नोनी बाला देवी, प्रीति लता वाडेकर जिन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर अंग्रेजों के हाथ न आने का अपना वादा पूरा किया। आजादी की इन वीरांगनाओं में कई नाम ऐसे भी हैं जो इतिहास में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए, लेकिन इतिहास कभी मिटती नहीं है। जब भी भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष याद किया जाएगा, भारत की इन बहादुर बेटियों के बलिदान को गर्व से याद किया जाएगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।